मैं स्वागत है सभी का मेरे नए ब्लॉग में। आज सुबह सुबह 6 बजे उठ के मंदिर गए थे, कोई नहीं था मंदिर के अंदर, थोड़ी सी नींद भरी पड़ी आंखों के अंदर और आप उसके लिए लेट हो रहा क्योंकि घर आके थोड़ी देर सो गया। सो तो नहीं गया, खैर बाकी 3-4 काम निपटा लिए मैंने, हल्की झपके लग गई थी तो उस वजह से लेट हो गया। और कोई नहीं, अब ऑफिस चल रहे हैं, ऑफिस के काम निपटाने हैं, सोचा था छुट्टी कर लूँ आज, लेकिन अब चल ही रहे हैं, चल लेते हैं। चलो तो गाइस साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मेरे ग्लासेस अच्छे लग रहे हैं, ये बैग में पड़े हुए थे और बेसिकली ये फ्रेम है, इसके अंदर ग्लासेस नहीं है, पर अच्छा लग रहा था, कूल सा लग रहा था, इसलिए मैंने डाल दिया। अब वी आर गोइंग होम और मैंने पिछले 4 दिन से कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया, आई डोंट नो क्यों। रिकॉर्ड है, एडिटेड है, एक्सपोर्ट करके डालने हैं, एक्सपोर्ट ही नहीं होता पर आज डाल दूँगा एनी हाउ, कुछ भी करते हैं। ये 2 दिन से मैं कुछ ज़्यादा ही घूम रहा था कावड़ों के चक्कर में, बट अब कोई नहीं, आज डालेंगे। फिलहाल गोइंग टू होम, घर चल के बताते हैं। और चल, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि हर बंदे में क्या चुल होती है, इवन मेरे अंदर भी ये चुल है कि मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं और झाक झाक के देखेंगे, जिनके देखने से मेट्रो आएगी। दिखाऊं ये देखना, अभी कोई ना कोई झाक के देखेगा ही, अब आएंगे ये देखो दिक्कत है, ऐसे झाक के देखने से क्या ही मिल जाए, आई डोंट नो क्या चीज़ है, लेकिन चुल है ये देखो, अब फिर कोई देखेगा वो देखो, दिख गया। हर बंदा झाक के देखता पता नहीं क्यों, अच्छी देखने जल्दी आ जाएंगे मेट्रो, भगवान जाने। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने ना भीड़ नहीं लगाई मेट्रो में, तो काफ़ी टाइम बाद मैं अपनी दुनिया से बाहर निकल के मैंने बाहर की दुनिया देखी है, मैं कह सकता हूँ। तो होता क्या था, मैं हमेशा अपनी भीड़ लगा लेता था एंड बाहर की दुनिया से मैं सीधा कट, कुछ नहीं दिखता आसपास, कौन है कौन नहीं है, काफ़ी सारे लोग ऑब्जर्व करे मैंने आज काफ़ी अच्छी देखी, तो इस चक्कर में आज की अच्छी बात बोलने भूल गया मैं। खैर चलो आज की अच्छी बात बता देता हूँ मैं आपको, जो मैंने आज सीखी। सो समय और आदतें ना कुछ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही डेडली है। कैसे, अगर आपका समय अच्छा है और आदतें ख़राब हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग आपकी नेगलेक्ट कर देंगे, लोग आपके बारे में बातें तो करेंगे क्योंकि आपकी आदतें बुरी है, बट मुँह पर कोई बोलेगा नहीं। सेम चीज़ कि अगर आपका समय ख़राब है और आदतें अच्छी हैं तो भी आप एक सुकून की नींद ले सकते हो, क्योंकि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपकी आदतें बहुत अच्छी है, तो लोग तुम्हारे बुरे समय को नेगलेक्ट कर देंगे। हाँ, लेकिन अगर समय भी ख़राब है और आदतें भी बुरी हैं तो भाई तुम बर्बादी की कगार पे हो, तुम्हें अपनी आदतें सुधारने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ मैंने सीखी। तो भाई आ गए घर की तरफ, मैंने रास्ते भर कुछ नहीं किया, आई सपोज टू एडिट माई ब्लॉग, मैंने आज का ब्लॉग एडिट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी 3 ब्लॉग एडिटेड पड़े हैं जो मेरे को डालने हैं, मैं डाल नहीं पा रहा, तो अभी जाके शेड्यूल करूँगा पहले तीनों, तो पहले चाय पीऊँगा जाके। चलो चल रहे हैं। हाँ भाई लड़की कैसा लग रहा है, मस्त खाके विशाल भाई ना, भाई विशाल भाई तुम 2 दिन से लगा क्यों नहीं रहते, लगा नहीं रहते ना अभी, क्यों मेरी किस्मत अच्छी है, आज ही लगाया क्या? अच्छी बात नहीं है भाई तुम्हारी, इतनी दिनों बाद में आया भाई, इस ने मेरे को ना मेरी उम्मीदें खराब करवा दी, मेरी तो नहीं कराई। तो भाई उसने लिए वेज वाले, अब दे देना पनीर, पनीर है तो पनीर पकड़ा दो। तो भाई विशाल भाई के मोमोज गजब, उनकी जो मेयोनीज वाली चटनी है ना, ओए गरम गरम मोमोज, डाल दो पनीर की फिलिंग भर के, गरम बहुत हाफ है
लड़की की चाय पूरी हो रही है, लड़की वाले को चिकन वाले नहीं खिलाए थे इसलिए उसने पनीर वाले खिलाए मेरे को। और मेरे संडे वाली बढ़िया लगती है भाई। इसके तो फैन हम। मजा आ गया भाई खाने तो आगे मिलते हैं। तो कैसे तो घूम फिर के हम रुके हैं चाय वाले पे, पीछे सुदामा अंकल सुदामा की चाय पी रहे हैं। और ना डेढ़ दो महीने से सुदामा लगा नहीं रहा था, आज लगा दिया। देख रहा है इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, हर बंदा इसकी किस्मत का ही चल रहा है। इसने बोला ये हो रहा है, इसने बोला वो हो रहा है। भाई मौसम में चाय के मजे, चाय और मट्ठी डेडली कॉम्बिनेशन भाई। चलो गाइस चाय पीने तो फिर चल के दिखा। बारिश होने वाली है, बस बारिश ही हो रहा है, बारिश वाला माहौल बंद हो रहा है भाई।